मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश पनप रहा है। आपको बता दें कि बुरहानपुर शहर में 18 मई को एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ मोहल्ले के ही युवक ने दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसका विरोध शहर भर में किया जा रहा है। इसी को देखते हुए बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सड़कों पर उतरकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में आरोपी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। फांसी दिला दो, उसके घर बच्चे को न्याय दिला दो, दोबारा बच्चे के साथ में ऐसा करने पाए। अगर अगला कदम उठाने से लोग डरेंगे नहीं, फिर वो बोलेंगे आगे ऐसा हो, कल ऐसा हो, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो पार्ट है हमारा अनुसंधान का, इस मामले को चिन्हित अपराध हमने कर दिया है और जो भी हमारी एविडेंसेस वगैरह है हमने भोपाल में ट्रांसफर कर दी है। इसके साथ हमारी विवेचना बहुत ही फास्ट पे चल रही है और जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में बड़े जितने भी तथ्य हैं उसके संबंध में SDM मैडम ने अभी बुलाया भी है परिजनों से, कलेक्टर मैडम चर्चा भी करेगी, उसके बाद निर्णय लेंगे। इसी संबंध में SDM मैडम अभी चर्चा कर रही है कलेक्टर मैडम से, कलेक्टर मैडम परिजनों से भी मुलाकात। ज्ञापन में जो उल्लेखनीय चीज़ें उल्लेखित की है वो सभी चीज़ों की मांग के संबंध में कलेक्टर मैडम ने अपने परिवार अभी मुलाकात भी चल रही है, उसके बाद। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।